जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार देर रात आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ कास्तीगढ़ क्षेत्र के जद्दनबाटा गांव में देर रात करीब 2 बजे हुई, जब आतंकवादियों ने तलाशी अभियान के संचालन के लिए एक सरकारी स्कूल में बनाए गए अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों की माने तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी चलती रही। अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को खत्म करने के प्रयास लगातार जारी हैं। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को आतंकवादियों ने एक कैप्टन सहित सेना के 5 जवानों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद देसा और आसपास के वन क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। गुरुवार की बात करें तो आज यानी तलाशी अभियान का ये 4th दिन है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को देसा के जंगलों में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कुछ देर के लिए गोलीबारी हुई। साल 2005 में आतंकवाद से मुक्त हुए डोडा जिले में 12 जून के बाद से सिलसिलेवार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं, जब चत्तरगला दर्रे में आतंकवादी हमले में 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। इसके अगले दिन गिंडो में हुई गोलीबारी में भी 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया था, जिसके बाद से 26 जून को जिले के गंडो इलाके में दिन भर चले अभियान में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था, जबकि 9 जुलाई को घड़ी भगवा जंगल में एक और मुठभेड़ हुई थी। इस साल की शुरुआत से अब तक जम्मू प्रांत के 6 जिलों में लगभग 12 आतंकवादी हमलों में 11 सुरक्षा कर्मियों, 1 ग्राम रक्षा गार्ड और 5 आतंकवादियों समेत कुल 27 लोग मारे गए हैं। इन मृतकों में 9 जून को रियासी जिले के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे 7 तीर्थयात्री भी शामिल हैं।